आइए जल्दी से फटाफट तरीके से हम इस डोरा केक बनाना स्टार्ट करते हैं। डोरामोन डोरा केक बनाने के लिए हम एक बाउल में 2 छोटी चम्मच मेल्टेड बटर डालेंगे। बटर को अच्छे से मेल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब इसमें हम 1/2 कटोरी अमूल क्रीम डालेंगे। आधी कटोरी कंडेंस मिल्क डालेंगे। अब इसमें हम 1/2 कटोरी चीनी पाउडर डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो इसको फेंटने के लिए मैं विस्कर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप चम्मच से इसको फेंट रहे हैं तो इसको अच्छे से 2 मिनट तक फेंटिएगा, और यदि आप विस्क का यूज़ कर रहे हैं तो इसको 1 मिनट तक अच्छे से फेंटिएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, करीबन 2 चम्मच हमने इसमें पानी डाला है, और पानी को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और एक ही डायरेक्शन में फेंटिएगा इसको। ये अच्छे से फिट गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। हम इसमें बेकिंग सोडा का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो हम इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, और ठीक इसी के बाद हम इसमें 1/2 कटोरी मैदा डालेंगे। मैदे को अच्छे से छान लीजिएगा तो ही इसका यूज़ कीजिएगा, जिससे क्या होगा कोई लम्स भी नहीं बनेंगे और रेसिपी भी हमारी परफेक्ट बनेगी। अब इसको भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। ये बेटर हमारा हल्का सा गाढ़ा है, तो हम इसमें फिर से 2 चम्मच पानी डालेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि यदि हमारा बेटर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो रेसिपी हमारी बिगड़ जाएगी, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। अब फिर से हम इसमें 2 छोटी चम्मच पानी डालेंगे। करीबन मैंने इसमें जो 1/2 कटोरी है वो 1 कटोरी पानी यूज़ किया है। 2-2 चम्मच करके मैंने 3 या 4 बार इसमें पानी डाला है, और एक पतला सा बेटर तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से हम केक के लिए बेटर तैयार करते हैं, सेम उसी तरीके से हम बेटर तैयार करेंगे डोरामोन डोरा केक के लिए। और एक ही डायरेक्शन में फेंटिएगा इसको। ये देखिए, ये अच्छे से फिट गया है, और आप देख सकते हैं बेटर कितना पतला है। जब हम बाउल को तिरछा कर रहे हैं तो एकदम से बह रहा है, और चम्मच में लेंगे तो एकदम से गिर जाएगा ये। तो इसी तरीके से आप भी बेटर तैयार कीजिएगा। बेटर गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, सेम इसी तरीके से होना चाहिए। और इसके लिए मैंने आपको बताया है, मैंने 1/2 कटोरी पूरी 1 कटोरी पानी का यूज़ किया है। ये देखिए, डोरा केक के लिए हमारा बेटर तैयार है। आइए अब हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम एक नॉन स्टिक तवे को मीडियम फ्लेम पर गरम करने के लिए रख देंगे। तवे के गरम होते ही हम इसमें एक गीले कपड़े से तवे के ऊपर फेर देंगे। इससे क्या होगा कि तवे हमारा इक्वल तरीके से गरम होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक साइड से ज़्यादा गरम, एक साइड से कम गरम। और गैस का फ्लेम हम एकदम लो कर देंगे। अब हम 2 मेजरमेंट लेंगे। मैं आपको 2 मेजरमेंट बता रही हूँ। आप इसमें कटोरी का या 1 चम्मच का यूज़ किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यदि आप किसी एक का यूज़ कर रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू कीजिएगा, चेंज मत कीजिएगा। तो मैं इसमें 1 छोटी कटोरी का यूज़ कर रही हूँ। मैं 1/2 कटोरी से 1/2 कटोरी बेटर लेकर तवे पर डालती जाऊँगी। और ध्यान दीजिएगा, डोरा केक हमें छोटे साइज़ का बनाना है, ज़्यादा बड़े नहीं बनाना है। और कोशिश कीजिएगा कि डोरा केक हमारे इक्वल साइज़ में बने, और इसको फैलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप फैल जाएगा क्योंकि बेटर हमारा पतला है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर सेकने के लिए छोड़ देंगे। इसको ढक कर रख देंगे। दो मिनट हो गए, हम एक बार डोरा केक को चेक कर लेंगे। वैसे 2 मिनट में ये डोरा केक अच्छे से सिक जाएंगे, अच्छे सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा इसका। इसको हल्के हाथ से पलटिएगा, एकदम जल्दबाजी में बिल्कुल मत पलटिएगा, क्योंकि एकदम सॉफ्ट होते हैं ना तो ये जल्दी टूट भी सकते हैं, इसलिए हल्के हाथ से पलटिएगा। ये देखिए, एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए। तो इसको हम फिर से 1/2 मिनट के लिए दूसरी साइड से हल्का सा पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, और ध्यान दीजिएगा इसको हम दूसरी साइड से कम ही पे सेकेंगे, ज़्यादा नहीं सेकेंगे, क्योंकि यदि आप ज़्यादा सेकेंगे ये डोरा केक हमारे कड़क हो जाएंगे, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ये देखिए, 1/2 मिनट बाद आप देखेंगे कि डोरा केक हमारे दोनों साइड से अच्छे से सिक गए। आप देख सकते हैं दूसरी साइड मैंने किस तरीके से इसको सेका है। ये डोरा केक बनकर तैयार है। अब हम इनको एक प्लेट में रख देते हैं। अब इसी तरीके से हम बाकी सारे डोरा केक बनाकर रख लेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा डोरा केक डालने से पहले एक बार गीला कपड़े को तवे पर जरूर फेर लीजिएगा। Thank you.
आप देख सकते हैं हमारे सारे डोरा केक बनकर तैयार है। इतने बैटर में हमारे टोटल 11 डोरा केक बने हुए हैं। मैं आपको एक डोरा केक को तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने एक डोरा केक को तोड़ा है तो ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ है और काफ़ी स्पंजी है। अंदर से अच्छी जालियाँ बनी हुई हैं और खुशबू तो एकदम मज़ेदार है। रियली काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टी है और इनको दबाएंगे ना तो एकदम ऐसा लगेंगे सॉफ्ट मुलायम मुलायम से। अब इनको मैं साइड में रख देती हूँ। अब बाकी बचे 10 डोरा केक, तो इनके मैं इक्वल साइज़ के जो डोरा केक है उनकी मैं जोड़ी बनाकर रख लेती हूँ। हमारे 10 डोरा केक की 5 जोड़ी बन जाएंगी। डोरा केक के हमने 5 जोड़े तैयार कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे, तो स्टफिंग के लिए मैं इसमें किसान मिक्स फ्रूट जैम का भी यूज़ करूँगी और चॉकलेट स्प्रेड का भी यूज़ करूँगी। बच्चों को जो पसंद है आप उसी का यूज़ कीजिएगा और चॉकलेट स्प्रेड आप अपनी कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक डोरा केक लेंगे, इसके एक साइड हम चॉकलेट को अच्छे से स्प्रेड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्प्रेड अच्छे से कीजिएगा और कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, तो चॉकलेट को स्प्रेड करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। और दूसरा डोरा केक हम इसके ऊपर रख देंगे और दबाएंगे तो आप देखेंगे कि किनारों से चॉकलेट हमारी कितनी अच्छी तरीके से दिख रही है। सेम इसी तरीके से हम सारे डोरा केक बनाएंगे ताकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। और एक डोरा केक के अंदर मैं मिक्स फ्रूट जैम का भी यूज़ करूँगी और इसी तरीके से हम सारे डोरा केक बनाकर एक प्लेट में रख देंगे। ये देखिए बच्चों की फेवरेट रेसिपी डोरामोन डोरा केक बनकर तैयार है और बहुत ही इजी रेसिपी है और फटाफट तरीके से बन भी गई है। तो जल्दी से देर मत कीजिए, जल्दी से इस रेसिपी को बनाइए और बच्चों को स्कूल में टिफिन बॉक्स में जरूर रखिए। आप भी टेस्ट कीजिए और फैमिली को भी टेस्ट कराइए और मुझे बताइए कि रेसिपी आप सभी लोगों को कैसी लगी। यदि आप सभी लोगों को मेरे डोरा केक की रेसिपी पसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मेरी सारी रेसिपी आप सभी लोगों के पास आ जाएंगी और इसी तरीके से मैं हेल्दी टेस्टी और बच्चों के लिए नई नई रेसिपी लाती रहूंगी। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।